The term curriculum in the field of education refers to, इसका आंसर होगा ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट एक्सपीरियंस ऑन अ डे टू डे बेसिस, ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट लोअर क्लासेस प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन, तो इसका सही आंसर होगा फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ यंग चाइल्ड रिस्पॉन्ड टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स मेड बाई हिम हर इन अ सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट, दिस इज रिलेटेड टू, तो इसका आंसर होगा लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग, ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, तो इसका आंसर होगा रीडिंग डिसऑर्डर, ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड, तो इसका आंसर होगा अलॉन्ग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रेन, ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू मेक असेसमेंट अ यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड बी केयरफुल अबाउट, तो इसका आंसर होगा यूजिंग अ वेराइटी ऑफ वे टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग अक्रॉस द स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक बाउंड्रीज, ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट कंसीडर्ड अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, तो इसका सही आंसर होगा फाइटिंग विद अदर्स इज नॉट कंसीडर्ड अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू, तो इसका आंसर होगा पेगेट, ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रतिका हु डज नॉट टॉक मच एट होम टॉक्स अ लॉट एट स्कूल, इट शोज दैट, तो इसका सही आंसर होगा हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ हर और हिज स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्ट, तो इसका सही आंसर होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो इसका सही आंसर होगा क्रिएट्स इंटरेस्ट ऑफ फॉर लर्निंग अमंग योर लर्नर्स, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लर्निंग कैन बी एनरिच्ड इफ, तो इसका सही आंसर होगा सिचुएशंस फ्रॉम द रियल वर्ल्ड आर ब्रॉट इन टू द क्लास इन विच स्टूडेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड द टीचर फैसिलिटेट्स, ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ फीचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो इसका सही आंसर होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस, ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टूडेंट ऑफ वी ग्रेड विद विजुअल डिफिशियंसी शुड बी, तो इसका सही आंसर होगा ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज, ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर एट प्राइमरी लेवल, तो इसका सही आंसर होगा पेशेंस एंड प्रिजर्वेरेंस, ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिन्स टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स इज नोन एज, तो इसका आंसर होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर बिकॉज ऑफ हिज हर डेमोक्रेटिक नेचर अलाउज स्टूडेंट टू सिट ऑल ओवर द क्लास, सम सिट टुगेदर एंड डिस्कस और डू ग्रुप रीडिंग, सम सिट क्वाइटली एंड रीड देमसेल्व्स, अ पेरेंट डज नॉट लाइक इट, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द बेस्ट वे टू हैंडल द सिचुएशन, तो इसका सही आंसर होगा पेरेंट शुड शो ट्रस्ट इन द टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर, ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय, तो इसका सही आंसर होगा जेस्टाल्ट थ्योरिस्ट, ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय, तो इसका सही आंसर होगा पियागेट, ऑप्शन
4. Next question is, in which of the following stages do children become active members of their peer group? तो इसका सही आंसर होगा adolescence, option 1. Next question is, parents should play a role in the learning process of young children. तो इसका सही आंसर होगा proactive, option 2. Next question is, development is a never-ending process. This idea is associated with. तो इसका सही आंसर होगा principle of continuity, option 2. Next question is, which is the place where the child cognitive development is defined in the best way? तो इसका सही आंसर होगा school and classroom environment, option 2. Next question is, which of the following is not a sign of an intelligent young child? तो इसका आंसर होगा one who has the ability to cram long essays very quickly, option 1. Next question is, dash is considered a sign of motivated teaching. तो इसका सही आंसर होगा questioning by students is considered a sign of motivated teaching, option 3. Next question is, which of the following is not related to the socio-physiological needs of the child? तो इसका सही आंसर होगा option 3, regular elimination of waste products from the body. Next question is, mind mapping refers to, तो इसका सही आंसर होगा researching the functioning of the mind, option 4. Next question is, the best way, especially at primary level, to address the learning difficulties of student is to use, तो इसका आंसर होगा a variety of teaching methods suited to the disability, option 1. Next question is, according to Piaget, at which of the following stages does a child begin to think logically about abstract proposition? तो इसका सही आंसर होगा formal operational stage, 11 years and up, option 2. Next question is, which of the following will foster creativity among learners? तो इसका सही आंसर होगा providing opportunities to question and to nurture the innate talents of every learner, option 2. फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और सीटेट के और अपडेट्स पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें. थैंक यू फ्रेंड्स.